हम संगठन के लोग हैं, संगठन में काम करने आए हैं। सुपर अस्पताल, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 7 मेरे समय में सैंक्शन हुआ। 3 ट्रेनें मैं लाया। संजय गांधी विद्युतीकरण योजना मेरे समय में आई। नेहरू के लिए पैसा मैंने लाया। हल्ला मचाने, प्रचार प्रसार में नहीं, काम में विश्वास करता हूँ, कहा रीवा दर्शन से बात करते हुए पूर्व भाजपा सांसद कांग्रेस नेता देवराज पटेल ने, जिनसे बात की हमारे एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने। रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। अभी हाल ही में, या यूं कहें कल ही, बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हमारे साथ दो कद्दावर नेता यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, ये रीवा शहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद देवराज जी का, जिन्होंने रीवा में बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए इतने काम किए जिसको गिनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये अलग बात है कि मीडिया से दूर रहने की वजह से उनके वो काम आप तक नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर बहुजन समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप दोनों का रीवा दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सांसद जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ा? बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण हमारा ये रहा है कि जो बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश में काम करने वाले हमारे प्रभारी लोग जो आए, उनकी मनमानी, हमारे जो मिशनरी कार्यकर्ता थे उनका अपमान होना ही मेरा पार्टी के छोड़ने का मुख्य कारण है। कि हमारे जो सीनियर थे और जो हमारे साथ काम किए थे, लगातार वो पार्टी मिशन के लिए काम करते रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो नए नए लोग आकर प्रभारी बनकर, प्रदेश के अध्यक्ष बनकर, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से खत्म करने का काम किया है, उनकी तरफ अगर शीर्ष नेतृत्व को शिकायत भी की गई तो किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टे जो यहाँ के मिशनरी लोग थे उनके साथ ही बर्ताव किया गया, इस तरह का जैसे पार्टी से निष्कासन किया गया, उनकी टिकट काटी गई। जो सीनियर्स थे, कई वर्षों से लगातार अपना सब कुछ तन मन धन इस पार्टी को लगाने में अपना योगदान दिए। वैसे बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ से तो चलती नहीं, कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है, और कार्यकर्ताओं ने बराबर सहयोग किया और उनकी टिकट काटी गई। कार्यकर्ताओं ने बराबर सहयोग किया, फिर भी कार्यकर्ताओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो भी नए लोग पार्टी में शामिल हुए उनका ही महत्व उसमें बड़ा, पुराने कार्यकर्ताओं को सिरे से अनदेखी गई। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया था। जैसा कि सांसद जी ने अभी कहा कि नीचे पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी गई, आप कहां तक सहमत हैं और आप बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके से काम करते थे? धन्यवाद जावेद भाई। हम लोग बहुजन समाज पार्टी में मनोहर कांसी राम साहब के साथ में, मैंने तो 1993 में इस मोमेंट में काम करने की शुरुआत की थी। और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था, जिस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ता था, हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में रह के बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तैयार करने के लिए हम गांव गांव, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 1996 में मैं सागर पार्लियामेंट में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, यानी स्वर्गीय जयकर साकेत साहब उसमें लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो उस समय पार्टी के मोमेंट और विचारधारा में इतना जुनून हुआ करता था कि मैं खुद भी 6-6 महीने वहाँ पे जाके, और उस समय जो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुजन समाज पार्टी का था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में हम लोग काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, उनको कैडराइज करते थे। तो जब हम लोग गाँव में जाते थे तो लोगों को जब समझाना होता था तो शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में जाते थे, उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस जमाने में हम लोग जो है अपने झोले में एक लुंगी लेके जाते थे और जमीन में बोरे पे लुंगी बिछा के 6-6 महीने मैंने बहुजन समाज पार्टी की इस मूवमेंट को चलाने का काम किया। जैसा कि आपने कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस पार्टी में अब आप किस तरीके से काम करेंगे, वहां पर आपको किस तरीके से अपनी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? जावेद भाई, कांग्रेस पार्टी में मैंने कल ही ज्वाइन किया है। मैं और आदरणीय सांसद जी ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सदस्यता ली है। मैं चूंकि कांग्रेस के संगठन में ही काम करना चाहूंगा, मुझे संगठन में ही काम करने का शौक है, तो मैं चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी
संगठन में हमें प्राथमिकता देगी, संगठन में हमें काम लेगी। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में काम करते थे, हम पोलिंग और सेक्टर और विधानसभा बना के एक मजबूत संगठन खड़ा करते थे, अगर कांग्रेस पार्टी हमें ऐसा मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं संगठन में काम करके संगठन को मजबूत करूंगा। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं संगठन में काम करूंगा, यह कहना है शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। मैंने पिछले 25 साल बहुजन समाजवादी पार्टी में संगठन का ही काम किया है। 93 में मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। सांसद जी, निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आप पर आपने क्या किसी कांग्रेस पार्टी से ये मांग की है कि मुझे लोकसभा का टिकट दिया जाए तभी मैं कांग्रेस में ज्वाइन करूँ, क्या है आपकी आगामी योजनाएं? मेरी कोई मांग नहीं है। पार्टी नेतृत्व अगर समझता है कि चुनाव लड़ने से इनके रीवा जिले में फायदा हो सकता है तो पार्टी अगर मौका देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। बाकी जिस किसी को पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से रीवा का सांसद इस बार हम जरूर कांग्रेस को बनाएंगे। रीवा की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आपको अपना कैंडिडेट क्यों बनाए, रीवा के लोग आपको वोट क्यों दें, पिछले सांसद कार्यकाल के दौरान आपने ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से रीवा की जनता आपको इस बार वोट देके फिर से संसद में भेजी? रीवा के लिए तो मैंने कई सौगात दिया, उस समय पर कांग्रेस की ही सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कि मैंने कई योजनाएं अपने जिले में अपने संसदीय क्षेत्र में मैं लाने में यहां सफल रहा। पहली योजना हमारी थी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जिसको मैं 7 जुलाई 2009 को 105 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के और जो वंचित लोग थे, गांव के लोग थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। दूसरा हमारा उपलब्धि थी NH7 NH27 बहुत ही खराब जर्जर रोड थी, आपको भी विदित होगा, उसको मैंने 11 अक्टूबर 2010 को, जिनसे मैंने कल सदस्यता लिया है माननीय चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी, वो तत्कालीन सड़क परिवहन मंत्री थे, उन्होंने जो है तो 11 अक्टूबर 2010 को ये दो सौगात हमें NH7 और NH27 फोर लाइन की दिया था। इसके बाद मैं 1 मार्च 2013 को नहरों के लिए पानी के लिए जो समस्या थी किसानों की, तो हमने नहरों का जाल बिछाया, बरगी फेस 1 से फेस 5 तक जोड़ने का काम किया, जिसमें 697 करोड़ रुपया माननीय हरीश रावत जी भारत सरकार के मंत्री कांग्रेस की सरकार में उन्होंने 1 मार्च 2013 को स्वीकृत किया। रीवा सिंगरौली रेल लाइन हमने अपने कार्यकाल में चालू करवाया, खुलवाया, और रीवा के लिए 3 सौगात 3 ट्रेनें हमने रीवा चिरमिरी, रीवा इंदौर, रीवा नागपुर, ये सौगात हमने दिया रीवा वासियों को। और फिर यहाँ के लोगों की समस्या जो थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, उन समस्याओं पर मैंने ध्यान दिया। सुपर स्पेशलिस्ट मल्टी हॉस्पिटल, जिसका श्रेय बीजेपी ले रही है, इसको हमने अपने कार्यकाल अंतिम सत्र में आते आते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 21 फरवरी 2014 को 150 करोड़ लागत से बनने वाली इस योजना को हमने संचालित कराया, जिसमें 120 करोड़ केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया और 30 करोड़ राज्य सरकार ने स्वीकृत करके बिल्ला अपना लगाया। जैसा कि पूर्व सांसद देवराज जी ने कहा, इतनी योजनाएं जिनको उंगलियों में गिनाना काफी मुश्किल है, प्रमुख योजनाओं के रूप में उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है सुपर अस्पताल का, वो उनकी देन, रीवा से चलने वाली 3 ट्रेनें उनकी देन, रीवा सिंगरौली रेल लाइन उनकी देन, नेशनल हाईवे रीवा इलाहाबाद रीवा बनारस NH27 और 7 उनकी देन, रीवा में नहरों का जाल उनकी देन, राजीव गांधी विद्युतीकरण उनकी देन। इतनी योजनाओं के बाद भी एक भी योजनाओं का आज तक उनको श्रेय नहीं मिला, शायद प्रचार प्रसार से दूर रहकर काम करने की बहुजन समाजवादी पार्टी की जो शैली थी वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रही थी। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, अगर इसी तरीके के काम उन्होंने आगामी समय में भी दिखाए तो निश्चित रूप से रीवा शहर का रूपरेखा बदलने में कोई भी देर नहीं लगेगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।